डेंटल कैप कब लगवाई जाती है आपने कई बार सुना होगा मोस्ट ऑफ द डेंटिस्ट कहते हैं कि आप आरसीटी के बाद डेंटल कैप लगवा सकते हैं कैप लगवा लीजिए उससे दांत आपका प्रोटेक्टेड रहेगा तो हमें कैप कब कब लगवानी चाहिए आज इस वीडियो में हम उस इस बारे में बात करेंगे कि कब कब आप डेंटल कैप

ट्रीटमेंट कराने के बाद कई बार पेशेंट्स जो है वो डेंटल कैप लगवाते ही नहीं है ये सोच के कि अब तो हमारा दर्द चला गया अब हमें कैप लगवाने की क्या जरूरत है लेकिन बहुत ज्यादा जरूरत है आपको डेंटल कैप लगवाने की अगर आप डेंटल कैप नहीं लगवाएंगे तो वापस से आपका आरसीटी जहां पर हुआ है वहां पर इंफेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा वो आपके मसूड़ों का इफेक्ट करेगा साथ ही साथ आपको वापस से दर्द अपने उसी दांत पे जहां पर आरसीटी हुआ है वहां पे दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा क्यों बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन ओके सो उस इन्फेक्शन से बचने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप डेंटल कैप जरूर लगवाएं ओके okay? कई बार ये भी हो जाता है कि डेंटल कैप कई बार थोड़ी महंगी पड़ जाती है आरसीटी के ट्रीटमेंट के बाद तो पेशेंट उसे लगवाना प्रेफर नहीं करते लेकिन आगे आप और बड़ा ट्रीटमेंट कराएँ उससे बेटर है कि आप अभी ही अपना कै डेंटल कैप लगवा लें तो ये हुई रूट कैनल ट्रीटमेंट की बात दूसरी बात अगर हम करें अगर आपका दाँत फ्रैक्चर हो गया है तो उस कंडीशन में भी आप अपना डेंटल कैप लगवा सकते हैं कई बार आगे के दो दांतों में जब फ्रैक्चर हो जाता है तो वहां पर आप डेंटल कैप लगवाकर उसे सही करा सकते हैं क्यों क्योंकि आगे के दांत जो है वो एस्थेटिक दांत दांत होते हैं और आप तो आगे के दो दांत तो बिल्कुल सही सलामत होने चाहिए बाय चांस अगर कभी किसी फ्रैक्चर के, के वजह से या फिर गिर गिर जाने की वजह से आपके आगे के दांत में फ्रैक्चर हो गया है तो आप उस पर डेंटल कैप लगवा सकते हैं तीसरी कंडीशन की अगर हम बात करें तो कई बार अगर हम गलती से गिर जाते हैं या कोई फ्रैक्चर हो जाता है तो आ, कई बार क्या होता है कि आगे का दांत इस तरह से डिसकलर्ड हो जाता है इस इस तरह से डिसकलर्ड हो जाने का मतलब होता है कि आपका दांत जो है उसमें ऐस तो आपको कोई फ्रैक्चर नहीं नज़र आ रहा है टूटा हुआ नहीं दिख रहा है लेकिन इस दांत में जो पल्प होता है जहाँ से आपके दांतों को नरिशमेंट प्रोवाइड होता है यानी कि पल्प में आपके सारे नर्व्स एंड वेसल्स होती हैं जो आपके दांत को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है वो जो नर्व वेसल्स हैं वो डैमेज हो गई है जिसकी वजह से आपके दांतों को प्रॉपर नरिशमेंट न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है जिसकी वजह से आपका दांत के पल्प जो है एक तरह से वो मर गई है उसकी वजह से आपको आपका जो दांत है वो डिसकलर्ड हो गया है ठीक है ब्लैकिश और ब्राउनिश कलर का हो गया है सो so, इस कंडीशन में भी आप अपने दांत में डेंटल कैप लगवा सकते हैं अब हम लास्ट कंडीशन के बारे में बात करें तो कई बार लोगों के आगे के दो दांतों में गैप होता है दैट इज़ मिडलाइन डाइस्टिमा अगर आपको मिडलाइन डाइस्टीमा है तो भी आप डेंटल कैप प्रेफर कर सकते हैं अब हम बात करते हैं कि डेंटल कैप किस किस प्रकार की होती हैं डेंटल कैप मोस्टली तीन प्रकार की होती है पहला होता है मेटल कलर की मेटल यानी कि आपका जो कैप बनेगा वो पूरा मेटल का बनेगा अब वो मेटल जो है वो ज़्यादातर पोस्टीरियर यानी कि पीछे के दांतों में यूज़ किया जाता है क्यों पोस्टीरियर दांतों में और पीछे के दांतों में मेटल का कैप इसलिए लगाया जाता है क्योंकि वहां पर वो दिखेगे नहीं वो वाले दांत दिखते नहीं है वो सिर्फ खाने के दांत होते हैं ओके दिखाने के दांत आपके आगे के दांत होते हैं के लिए आप क्या कर सकते हैं इसमें आपके पास दो ऑप्शन है पहला आपका ऑप्शन है पी एफ एम यानी कि पोर्सलिन फ्यूज मेटल अगर आप फोटो में देखें आगे का जो लेयर होता है वो पोर्सलिन का होता है और पीछे का जो लेयर होता है वो मेटल का बना हुआ तो होता है इसलिए इसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है और ये मेटल और पोर्सलिन दोनों मटेरियल का बना होता है पोर्सलिन आपके दांत के कलर का होता है मेटल तो अपना ग्रे कलर का है ही लेकिन इसके आगे की लेयर जो पोर्सलिन की बनी होती है जो दांत के कलर की होती है उसकी वजह से जो आपके जो दांत है वो आगे के दांतों में इसे आप लगवा सकते हैं ताकि आपके आगे के दांतों में वो अलग से ना लगे ठीक है तो पहला आपका हो गया आ... पोर्सलिन फ्यूज मेटल दैट इज पी एफ एम क्राउन पी एफ एम क्राउन सबसे ज्यादा यूज होने वाले क्राउन है एंड ये अफोर्डेबल भी होते हैं मोस्टली क्या होता है कि पी एफ एम में किसी की अगर गमी स्माइल हो गमी स्माइल का मतलब क्या होता है गमी गमी स्माइल यानी कि अगर आप हंसते हो तो आपके मसूड़े अगर दिखते हैं तो उस एक डिसएडवांटेज ये हो सकता है पी एफ एम का कि अगर वो बहुत अच्छे से ना बना हो तो पी एफ एम में अगर आपकी गमी स्माइल है तो वो अलग से दिख सकता है कि आपने अलग से दांत लगवाया है ये आपके तभी होगा जब आपकी गमी स्माइल हो अदरवाइज पोस्टले प्यूर्ड मेटल और पी एफ एम क्राउन इज वेरी गुड ओके अब हम बात करते हैं तीसरा टाइप दैट इज फुलरामिक्स सिरेमिक यानी कि ये पूरा दाँत आपका सिरेमिक का बना होगा जैसे कि हमने पी एफ एम क्राउन में बात की थी कि आगे आपका का, आगे की लेयर जो है वो आपकी पोर्सलिन और दांत के कलर की बनी होगी और उसके पीछे मेटल होगा इसमें ऐसा नहीं होता इसमें मेटल का यूज ही नहीं होता है इसमें पूरा जो है आपका दांत के कलर का होता है ठीक है अब इसे एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों में यूज किया जा सकता है इसके दो तरह के टाइप होते हैं पहला टाइप होता है जिपकोनिया जिरकोनिया ज्यादातर पीछे के दांतों में लगवाया जाता है क्यों क्योंकि उसका जो स्ट्रेंथ है वो बहुत अच्छा होता है तो पीछे के दाँत खाने वाले होते हैं वहां पे ज्यादा फोर्स लगता है तो वहां पे आप तो जिरकोनिया लगवा सकते हैं दूसरा टाइप होता है ऑल सिरेमिक में ई e मैक्स करके ई e मैक्स आप अपने इंटीरियर यानी कि आगे के दांतों में लगवा सकते हैं ये जो ई e मैक्स है बिल्कुल नेचुरल टूथ का जैसा अपियरेंस प्रोवाइड करता है ओके सो so, ये पूरी बात हो गई हमारे डेंटल uh, कैप के बारे में एंड दिस इज़ ऑल अबाउट इट फॉर दिस वीडियो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करे एंड लेट मी नो एना कमेंट सेक्शन आपके अगर कोई भी डाउट हो या आपकी कोई भी क्वेरी हो या फिर एनी थिंग रिलेटेड टू डेंटिस्ट्री लेट मी नो एना कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन मेक वीडियोज़ फॉर इट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई सी वेला नेक्स्ट वीडियो